press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. Alare ala Simmba ala. Sorry. खुश तो बहुत हूँ यार आज मैं फाइनली मतलब जिस फिल्म का हम इतने टाइम से इंतज़ार कर ही रहे थे वो आखिरकार 2018 के अंतिम चरण पे हम सभी को मिली गई है. एक मस्त मसालेदार धमाकेदार फिल्म हम सभी को देखने को मिल गई है यार फाइनली. एंड द नेम इज सिम्बा. हे भगवान एक अरदास कबूल कर लेना. 2019 में असल में धरती पे इस तरह के पुलिस ऑफिसर जरूर भेज देना. मतलब क्या कमाल की एक्टिंग की है यार रणवीर सिंह ने. भाऊ जे मला माहित नाही ते सांगा. टेल मी समथिंग आई डोंट नो. पद्मावत में इतने फिरोशियसली नेगेटिव किरदार को इतनी शिद्दत से निभाने के बाद अब रणवीर सिंह इस फिल्म में हमें एक एक्स्ट्रा स्वीट बोले तो झकास पुलिस ऑफिसर के रोल में एंटरटेन करने वाले हैं. डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी. इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे द इलेक्ट्रिफाइंग रणवीर सिंह. केदारनाथ में अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत चुके और अपनी मॉम और दादी को मिलवा चुकी सारा अली खान. तुम्हें कभी किसी का एनकाउंटर करना हो ना तो तुम मुझसे टिप ले लेना. दबंग विलन सोनू सूद. तीन कुत्ते बांध के रखे मैंने उनको पेडिग्री देता है और चौथा कुत्ता तू नोट देता है. और हम सबके प्यारे सिंघम. जी हाँ सिंघम यानी अजय देवगन. अरे रोहित शेट्टी यार अजय देवगन और रणवीर सिंह को एक साथ स्क्रीन पे ले आए हैं यार. मतलब इसके लिए तो 5 स्टार्स बनते ही बनते हैं. शिवगढ़ जहाँ एक तरफ मैं अपनी पुलिस की ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहा था. इतनी पार पैक परफॉर्मेंस यार देखने को मिली है यार. इतनी खुशी यार टिश्यू ले आना टिश्यू. मूवी की कहानी है संगाराम भालेराव की यानी कि सिम्बा की जो कि रहता है शिवगढ़ में जहाँ पे सिंघम यानी कि अजय देवगन बहुत ही ईमानदारी से अपनी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी निभा रहे होते हैं. अब सिम्बा होता है अनाथ एक ऑर्फिन और वो बचपन में सभी के पॉकेट मारता है. किधर पे भी दे पर सर पे नहीं. तो फाइनली उसकी जिंदगी में किस तरह का इंसिडेंट होता है जो कि उसे मोटिवेट करता है बड़ा होके एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए. अब कॉन्ट्ररी टू सिंघम्स फिलॉसफी सिम्बा बड़े होकर एक पुलिस ऑफिसर तो बन जाता है बट करप्ट. उसे ये लगता है कि उसे अपनी पार का यूज पैसे कमाने के लिए करना चाहिए. मैं पुलिस वाला बना पैसा कमाने को रॉबिन हुड बनके दूसरे का मदद करने के लिए नहीं. अब यहाँ रणवीर सिंह की एक्टिंग कमाल की है. मतलब ही यूजेस पंच लाइंस लाइक अर्ज किया है दर्द हो घुटने में. दर्द हो घुटने में तो तकलीफ होती है उठने में. ये कलयुग है कलयुग. क्या लोग सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते हैं अपने मतलब. सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट हाफ. अब जैसे कि हम सभी को पता ही है हमने ट्रेलर में देखा है कि कहानी में किस तरह का मोड आता है जब सिम्बा रियलाइजेस हिज मिस्टेक्स और वो बन जाता है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर और सभी विलन्स की करता है झमके धुलाई. और धुलाई भी उन विलन्स की करता है द वंस whom he was asked not to mess with. मतलब क्या ही बात है क्या ही बात है. Now Sara's character is that of a police officer's daughter जिसके father की death encounter करते वक्त हो जाती है यानी कि वो encounter करते वक्त शहीद हो जाते हैं. but her character has not much to add or contribute in the film. और वहीं अगर बात की जाए हमारे दबंग विलन सोनू सूद की तो वो अभी तक दबंग से बाहर ही नहीं निकले. मतलब उनके कैरेक्टर में कुछ नयापन नहीं है जैसा दबंग में देखा था वैसा ही है. बहुत बड़ा कमीना है तू. ऑल इन ऑल ये एक पैसा वसूल फिल्म है विद रोहित शेट्टी के एक्शन स्टंट्स रणवीर सिंह की एनर्जी और उनकी बेहतरीन एक्टिंग अजय देवगन एंड रणवीर सिंह शेयरिंग द सेम स्क्रीन टुगेदर एंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इज बीइंग कन्वेड थ्रू द फिल्म. मतलब बीइंग अ गर्ल यार कुछ ऐसे सीन्स थे जब खड़े हो गए ना मतलब तालियां सीटियां मारने का मन कर रहा था. और हाँ जब मूवी ख़त्म हो जाएगी ना तो एकदम से छोड़ के मत जाना थिएटर क्योंकि एक सरप्राइज पड़ा हुआ है जो बिल्कुल एंड में रिवील होएगा. क्योंकि द ग्रेट शाहरुख खान ने कहा है ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो जब एंडिंग होने वाली होगी तब सोच लेना कि पिक्चर अभी बाकी है और उठ के मत जाना. So, ये तो थी मेरी राय इस फिल्म पे. अब चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं कि उन्हें कैसी लगी ये मूवी यानी कि इट्स टाइम फॉर आवर पब्लिक रिव्यूज़.
कैसी लगी मूवी सिम्बा? ठीक है, अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी एक्टिंग किसकी लगी इसमें? रणवीर कपूर। कितने स्टार दोगे पांच में से? हाँ जी, पांच में से कितने स्टार? चार। बहुत बढ़िया जी, ये सिंगम वाली की थर्ड पार्ट आ गया, नाम बदल के रख दिया इन्होंने सिम्बा, लेकिन अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मूवी है। कितने स्टार दोगे पांच में से? 9 out of 10। तो किसकी सबसे बड़ी एक्टिंग लगी? उसी की, रणवीर। ऑसम मूवी है। स्टोरी पसंद आई इसकी? हाँ, स्टोरी बहुत अच्छी थी। स्टोरी सबसे बड़ी एक्टिंग उसकी है, सब पसंद आई हमको। रणवीर सिंह, उसकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है। तो क्या लगता है मूवी मतलब ब्लॉकबस्टर जाएगी ये वाली? हाँ, ब्लॉकबस्टर जाएगी जाएगी। अजय देवगन के बारे में कहना चाहूँगी। अजय देवगन बहुत बढ़िया सुस्त है। ओके, बहुत ज़्यादा बढ़िया। किन्ने स्टार होंगे? पाँच। फाइव स्टार। सबसे बढ़िया रोल यार, रोहित शेट्टी। अजय देवगन दिए तुम्हें कितना लगा? मूवी है ब्लॉक बस्टर जाएगी? ऑब्वियसली। किन्ने स्टार होंगे? अजय देव की एंट्री वगैरह? अजय देव की एंट्री बहुत अच्छी रही और बढ़िया है। मेरे हिसाब से साढ़े चार तो है, मूवी अच्छी है। बहुत बढ़िया। कितना लगी? बहुत बढ़िया मूवी। स्टोरी पसंद आई? बहुत ज़्यादा। लास्ट अक्षय कुमार का सीन तो बहुत ज़्यादा। कितना लगी? बहुत बढ़िया मूवी। स्टोरी पसंद आई मूवी? कितना लगी? बढ़िया। थोड़ा बोरिंग बट सेकेंड हाफ इज गुड। सब तो मुझे एक्टिंग लगी रणवीर सिंह। लास्ट में अक्षय कुमार इधर एक लास्ट गेम में बहुत अच्छा। ओके, तो मूवी के बीच अजय देवगन की एंट्री तुम्हें कैसे लगी? बहुत कैंट। बहुत बढ़िया यार। कितना लगी? बहुत मजा पिक्चर। कितने स्टार होंगे? पाँच। चार स्टार। सब तो मुझे एक्टिंग लगी रणवीर सिंह। अजय देवगन की क्यों? अजय देवगन की एंट्री बहुत मजा सी, पूरा एंट्री सिंगम रोल पूरा जबरदस्त लगा। अजय देवगन अच्छे थे। कितने स्टार होंगे? पाँच। फर्स्ट हाफ तो ठीक, सेकंड हाफ तो फर्स्ट हाफ एज मूवी बहुत स्लो प्रोसीड कर रही थी, सेकंड हाफ में काफ़ी फास्ट और अच्छी होगी। ओके, सबसे बड़ी एक्टिंग नहीं लगती? मैं यहाँ पे तो रणवीर ही था, तो रणवीर की अच्छी थी, बट अजय की देवी उनका भी काफ़ी अच्छा था। सब तो बड़ी एक्टिंग नहीं लगी रणवीर सिंह। रणवीर सिंह अजय देवगन की, क्योंकि पूरा सिंगम रोल लगा होना चाहिए। तो मूवी सस्पेंस है मूवी? हाँ जी, बहुत ही सारे जने दिख रहे हैं मूवी बढ़िया। कितने स्टार होंगे? पाँच। पाँच जी। कितना लगी मूवी? बहुत। कितना लगी? बहुत बढ़िया। कितना लगी मूवी? कितना लगी मूवी? कितने स्टार होंगे? पाँच। फाइव स्टार। वेरी गुड भाई, मुझे तो बहुत पसंद आई है ये फिल्म। एक्टिंग रणवीर सिंह की कमाल की थी, मतलब रणवीर सिंह के अलावा जो और भी कैरेक्टर्स थे इस फिल्म में बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। और सिंघम और सिम्बा को एक साथ देख के भी मुझे बड़ा मजा आया, इसलिए मैं इस फिल्म को दूंगी 4 out of 5 stars। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई मूवी के मसालेदार रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय।